हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 15 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। जिसका मतलब है कि अगर आपको ट्रबल में नहीं पड़ना है या फिर आपको लोगों का दिल जीतना है तो आपको एक स्किल अक्वायर करना होगा और वो स्किल है लोगों का नाम याद रखने की कला। अगर आप लोगों का नाम याद रखते हैं तो आप एक बिजनेस में और ये करियर में बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल कार्गनी ने बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज, बहुत सारे इंसिडेंट शेयर किए हैं जो अब आपके साथ में आपके को शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलिए पहली स्टोरी शेयर करते हैं, जो है मिस्टर जेम्स फाले की। जेम्स फाले के जो फादर थे वो न्यूयॉर्क सिटी के एक कंट्री रॉकलैंड में रहते थे। एक बार क्या हुआ था, एक गांव में एक बच्चे की मौत हो गई थी जिसके फ्यूनरल में जाना था गांव वालों को। और उसी दिन मिस्टर जेम्स फाले के जो फादर थे मिस्टर जिम, वो अपने घोड़े को ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग जब दे रहे थे तो एक्चुअली क्या था कि जो वहां की सड़कें थी बर्फ से ढकी हुई थी और काफी स्लिपरी हो रही थी वो सड़कें। और घोड़े ने जैसे ही उस सड़क पर पैर रखा तो वो एक प्लेफुल तरीके से घूमा और मिस्टर जिम फाले को बहुत ऊंचा उछाल दिया, जिसकी वजह से वो इतना ऊंचा उछल के गिर गए और उनकी वहीं पे मौत हो गई। 1898 की बात है ये। और उस दिन उस गांव में एक नहीं बल्कि दो फ्यूनरल थे। अब उस टाइम पे जब मिस्टर जेम्स फाले के फादर की डेथ हुई थी, उस टाइम पे मिस्टर जेम्स सिर्फ 10 साल के थे। उनके उस समय 3 बहन भाई थे टोटल। वो तो सबसे बड़े मिस्टर जेम्स ही थे। तो मिस्टर जेम्स को ब्रिक यार्ड पर काम करने जाना पड़ता था। अब ब्रिक यार्ड पर वो क्या करते थे कि वो मिट्टी को, जो सांचा होता था मिट्टी ब्रिक बनाने का, उसमें सांचे में मिट्टी को डालकर उसको फिर धूप में सुखाने का काम करते थे। अब सीधी सी बात है, जो बच्चा काम पर जाएगा वो स्कूल तो नहीं जा पाएगा, तो वो काम पर जाते थे इसलिए उनकी स्कूलिंग ज्यादा हो ही नहीं पाई। लेकिन उन्होंने ब्रिक यार्ड पर काम किया, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने थोड़े बड़े हुए तो कई जगह पे सेल्समैन बनकर काम किया, कई जगह पे एज ए वर्कर काम किया। इन सालों के दौरान उन्होंने एक ऐसी कला डेवलप की अपने अंदर, वो कला थी लोगों का नाम याद रखने की कला। और वो ये कला, मतलब उनकी ये कला इतनी ज्यादा प्रभावी थी, इतनी ज्यादा प्रभावी थी, वो ना लोगों का दिल जीत लेते थे उस कला से। वो बहुत सारे लोगों को जानने लग गए, पहचानने लग गए, लोग उनको रिकॉग्नाइज करने लग गए। तो धीरे धीरे करके वो पॉलिटिक्स में चले गए और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने लोगों का नाम याद रखते थे, वो लोगों को अप्रिसिएट करते थे, बर्थडे विश करते थे, लोगों को कई सालों बाद मिलते थे तब भी वो उनको विश करते थे, उनके नाम से पुकारते थे। तो ये चीज उनकी बहुत ज्यादा करियर में काम आई। और जब वो 46 ईयर के हुए, उस टाइम तक नॉर्मली तो वो स्कूल के अंदर से उन्होंने देखा ही नहीं था कि कॉलेज अंदर से होता कैसा है, लेकिन उनको 4 यूनिवर्सिटी से डिग्रीज मिल चुकी थी। यही नहीं, डोमेस्टिक नेशनल कमेटी के वो चेयरमैन बने और पोस्टमास्टर जनरल भी उनको बनाया गया 46 ईयर्स की एज तक। जो बच्चा ब्रिक यार्ड पे काम करता था, स्कूलिंग नहीं की, उनको इतनी सारी उपाधियां मिली, डिग्री मिली, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने अंदर एक कला डेवलप की और वो कला थी लोगों का नाम याद रखने की कला। ये कला इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी। डेल कार्गी ने एक बार उनसे पूछा कि अच्छा सर, ये बताइए कि आखिर आपकी सक्सेस का राज क्या है। जवाब दिया पार्ले ने, आपको क्या लगता है, हार्ड वर्क, मेहनत और क्या? मजाक मत कीजिए, सच में बताइए ना क्या कारण है। तो उसने कहा कि आपको क्या लगता है। तो मिस्टर डेल कार्गी ने बताया, मुझे लगता है कि आप 10,000 लोगों का नाम भी, लोगों को उनके नाम से पुकार सकते हो। तो मिस्टर फाले ने जवाब किया, नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं 10,000 लोगों को उनके नाम से नहीं पुकार सकता, बल्कि 50,000 लोगों को उनके नाम से पुकार सकता हूँ। सोचो, 50,000 लोगों को उनके नाम से पुकारना। और उनकी यही एबिलिटी थी, यही काबिलियत थी, जिसकी वजह से उनको मिस्टर रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के,
उन्होंने अपने कैंपेन में अपने साथ रखा, क्योंकि लोगों का नाम याद रखना एक छोटी कला नहीं है। लोगों का नाम याद करने का रखने का मतलब है, जब वो कैंपेन पे जाते थे और जहां जहां पे वो रैली करते थे, जहां जहां भी लोगों को मिलते थे, वहां के लोग, उन्होंने जब कैंपेन किया था तो 90 डेज में 20 स्टेट कंट्री वो घूमे थे, और इतनी जगह पर घूमने के बाद जहां जहां वो रुके थे उन सब लोगों को, जब वो वापस अपने विलेज आते थे, वापस अपने घर, वापस न्यूयॉर्क आते थे, तो उन सब के जो जिन जिन से मिले थे उनको वो लेटर भेजते थे उनके नाम से। और वो नाम याद रखता कौन था? वो नाम याद रखने का काम मिस्टर जेम्स फाले ही करते थे, क्योंकि वो रूस वर्ल्ड के कैंपेन के इंचार्ज थे। वो पॉलिटिकल लाइन में काफी अच्छी उनकी पहचान बनी, क्योंकि उनके साथ फाले थे। उनका एक तरीका था फाले का, कि जब वो पहली बार मिलते थे किसी पर्सन से, सबसे पहले उसका पूरा नाम पूछते थे कि आपका पूरा नाम क्या है। फिर उसके बाद वो उससे कुछ और भी चीजें पूछते थे कि उनकी चॉइस, उसकी लाइक डिसलाइक, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, और उसके बाद उन सारी चीजों को मिक्सअप करके अपने माइंड में सेट कर लेते थे एक पिक्चर की तरह, कि इस बंदे का नाम ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, ये इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, उस तरह से सेट कर लेते थे अपने आप के अपने दिमाग में, कि इंटरलिंक्ड कर देते थे चीजों को। और इस तरह से वो मिक्सअप करते थे कि सालों बाद, जैसे 2 साल 4 साल 10 साल बाद भी अगर वो उस बंदे से दोबारा मिलते थे, तो अपने दिमाग को कुरेदने में इतने सक्षम हो जाते थे कि वो उस बंदे को उसके नाम से पुकार सके। और ये उनकी सच्ची में बहुत ही अमूल्य कला थी। जब वापस आए थे अपने कैंपेन वगैरह से, अपने न्यूयॉर्क वापस, तो सब लोगों को उन्होंने उनके नाम से लेटर भेजा, और उस लेटर की जो फाइनल लिस्ट को देखा गया तो उसमें हजारों लोगों के नाम थे जो मिस्टर फाले ने लिस्ट बनाई थी। और उन सभी हजारों लोगों को जो लेटर भेजे गए थे उनके फर्स्ट नेम से भेजे गए थे, और साइन किया गया था एंड में मिस्टर जिम के नाम से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो आप अगर किसी का नाम याद रखते हैं तो लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए उनका नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग नाम याद रखते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, उनको लोग प्रेज करते हैं, उसको सराहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोग हैं जो दूसरों का नाम याद नहीं रखते या दूसरों का नाम को मिसस्पेल करते हो, मिस्टेक करते हो लिखने में, इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। एक्चुअली ऐसा मिस्टर डेल कार्नेगी के साथ हुआ था। वो एक बार अपना एक कोर्स डेवलप कर रहे थे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, तो उनके जो टाइपिस्ट थे उनको इंग्लिश की ढंग की नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने नाम वगैरह लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से अमेरिकन बैंक के जो मैनेजर थे उनके नाम में उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने मिस्टर डेल कार्नेगी को फोन किया और काफी कुछ सुनाया, और सिर्फ इस वजह से कि उसका नाम ढंग से नहीं लिया गया। और ये एक प्रूफ है कि लोगों के लिए उनका नाम कितना मायने रखता है। ज्यादा लोगों का क्या सोचना होता है कि अगर लोगों का नाम ऐसा है जिसको प्रोनाउंस करने में मुश्किल आ रही है, तो लोग या तो उसको निकनेम से पुकारते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, इतनी जहमत उठाते ही नहीं कि उसको याद करें। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था मिस्टर सिद लेबी के साथ। मिस्टर सिद लेबी का एक कस्टमर था जिसका नाम था निकोडिमस पापाडोलस। बड़ा अलग नाम है, निकोडिमस पापाडोलस उसका नाम था। तो मिस्टर लेबी ने उस कस्टमर को फोन करने से पहले कई बार उसका नाम रिपीट किया, बार बार बोला, याद किया। जब उसको कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अब ये नाम मैं ढंग से प्रनाउंस कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तब उस मिस्टर निकोडेमस पापाडोलस को उसने फोन किया, मिस्टर लेवी ने, और उनसे कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर निकोडेमस पापाडोलस, इज इट मिस्टर पापाडोलस। तो फर्स्ट टाइम जब उसके कस्टमर ने उनका नाम सुना, अपना नाम सुना, तो वो उन्हें कई मिनट तक तो रिप्लाई ही नहीं किया। फिर काफी देर बाद रिप्लाई आया, तो बोला कि मुझे इस शहर में रहते हुए, न्यूयॉर्क में मैं 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन 15 साल में आज तक मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने इतनी कोशिश की हो कि वो मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारे, सबके सब मुझे सिर्फ निक नाम से बोलते, लेकिन आपने ऐसा किया।
मैं आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू। उसकी मतलब इतना भावुक हो गया ये सुनकर कि पहला बंदा है जिसने मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन लोगों के लिए कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल चीज होती है। और इस इमोशनल चीज की वजह से जब मिस्टर लेबी ने जो भी कष्ट उनके साथ जो डील करनी थी, काम करना था, वो ऑफर मिस्टर लेबी को मिल गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इतनी जहमत उठाई कि वो उस कस्टमर का पूरा नाम याद करें और उसके पूरे नाम से पुकारें। आपको एक बंदे का नाम तो अच्छी तरह से पता ही होगा, एंड्रयू कार्नेगी, जो स्टील किंग्स के नाम से फेमस है। आपको पता है कि वो इतने फेमस क्यों हुए? वो उनके फेमस का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जानते थे कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। एक्चुअली जब वो बच्चे थे, करीब 10 साल के थे, तब उनको एक ना ममा रैबिट मिली थी, मतलब एक रैबिट मिली थी जो मम्मी बनने वाली थी। तो उन्होंने वो रैबिट ली उस, और थोड़े टाइम बाद उसके छोटे छोटे बनीज पैदा हुए। लेकिन उस टाइम पे मिस्टर कार्नेगी, जो मतलब एंड्रयू कार्नेगी थे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा डाउन था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो वो अमीर थे नहीं, अमीर तो वो बाद में बने थे ना। तो 10 साल के थे तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उन खरगोश के बच्चों को, उस बनीज को वो खाना खिला सके। तो मिस्टर कार्गिनी ने क्या आइडिया निकाला कि उन्होंने अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों को बुलाया, लड़कियां लड़कियों को बुलाया, और कहा कि फ्रेंड्स, अगर तुम मेरे इस बनीज के लिए खाना लेकर आओगे तो मैं इन बनीज का जो नाम है वो तुम्हारे नाम पे रखूंगा। और इस ट्रिक ने जादू की तरह काम किया। बच्चे बहुत खुश हो गए कि अरे मेरा नाम रखा जाएगा इस बनी का नाम मेरा नाम होगा। ये सोच सोच कर इतना सारा खाने का सामान अपने घर से लाए, कहीं से भी, जहां जहां से अरेंज कर सकते थे वो बच्चे, उन सब ने अरेंज किया। और उसने, मिस्टर कार्गिनी ने उन बनीस के नाम अपने उन दोस्तों के नाम पर रख दिए। और उसको फिर समझ में आ गया मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी को कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों का नाम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर तुम लोगों को इस तरह से प्रेस करते हो या ऑनर करते हो कि मैं इस चीज का नाम, अपने बनीज का नाम या कंपनी का नाम तुम्हारे नाम पे रखूंगा, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये फिलॉसफी जब वो बड़े हुए, जब वो स्टील कॉरपोरेशन के मालिक बने, तब उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन के साथ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ, अपने एसोसिएट के साथ यही वो फिलॉसफी फॉलो भी की। एक बार क्या हुआ, वो सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बिजनेस में थे और उनका एक कंपटीशन था मिस्टर पुलमैन के साथ। वो तो स्लीपिंग कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। अब दोनों कंपटीशन में थे तो सीधी सी बात है, दोनों अपने जो कार की रेट है वो गिराते जा रहे थे कंपटीशन में रहने के लिए। अब धीरे धीरे करके इतनी डाउन होती जा रही थी रेट कि जो प्रॉफिट के चांस थे वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। तो एक बार क्या हुआ, एक शाम को एक होटल में मिले और फिर मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने मिस्टर पुलमैन से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, हाउ आर यू? तो उन्होंने कहा कि हाय। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि हम जो भी कर रहे हैं इस समय एक दूसरे को कंपटीशन में नीचा दिखाने के लिए, अपने प्रॉफिट के सारे चांस गवाते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? लोग हम पर हंस रहे होंगे, हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम में से कोई भी इस कंपटीशन में जीत गया, या आपको ये ऑफर मिला या मुझे मिला या मेरी कंपनी चली, तो प्रॉफिट ना मुझे होगा ना आपको होगा, फायदा किसी को भी नहीं होगा। तो मिस्टर पुलमैन ने कहा, आखिर आप कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी बोले, तो आप, मेरे ख्याल से हमको एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में लड़ने की जगह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और एक दूसरे के स्किल्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम दोनों के दोनों अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो उसने कहा कि वैसे तो कन्विंस नहीं थे मिस्टर पुलमैन इस बात से, लेकिन फिर भी बोले, अच्छा एक बार बताओ, अगर हम दोनों ने मिलकर नई कंपनी स्टार्ट कर ली, क्योंकि आपकी कंपनी अलग है मेरी कंपनी अलग है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक नई कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो हम उस कंपनी का नाम क्या रखेंगे? क्योंकि ना आप अपनी कंपनी का नाम छोड़ेंगे ना मैं, क्या नाम रखेंगे? तो मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स द पुलमैन्स पैलेस कार कंपनी। जैसे ही मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने ये बोला कि मिस्टर पुलमैन पैलेस कार कंपनी, यानी कि उन्होंने
जो कार की कंपनी का नाम बताया वो पुलमैन के नाम पे बताया। और ये सुनकर जो मिस्टर पुलमैन थे वो उनके आंखों में चमक आ गई, वो खुश हो गए। तो पुलमैन पैलेस कार कंपनी, वाओ, यानी कि एक तरह से उनको ऑनर दे दिया मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने। तो फिर बोले, मुझे लगता है हमें इस टॉपिक पे और भी बात करनी चाहिए, आप अंदर आइए, चलो अंदर चल के बात करते हैं। फिर उन्होंने अंदर जाके मतलब अपनी कंपनी में इसकी के बारे में और डिटेल में बात की और डील फाइनल की, और फाइनली दोनों ने मिलकर काम किया। तो ये था तरीका मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी का लोगों का दिल जीतने का, कि वो अपने एसोसिएट्स को, यहाँ तक कि अपने कॉम्पिटिटर को इंचार्ज बना देते थे उनके नाम को, क्योंकि लोग वो अच्छी तरह से समझते थे कि लोगों का नाम, लोगों का ऑनर उनके लिए कितनी बड़ी बात है। तो एंड्रयू कार्नेगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो ऑनर अपना नाम ऊपर नहीं रख रहे, क्योंकि उनका मकसद था दिल जीतना। जिस इंसान ने दिल जीत लिया, क्या फर्क पड़ता है उसका नाम हो ना हो, दिल में तो है ही ना वो। तो ये तरीका था मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी का अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस एसोसिएट्स को ऑनर देने का, उनका दिल जीतने का। यही और यही कारण था जब वो मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी स्टील कॉरपोरेशन के हेड बने थे, उसके बाद उसकी स्टील मिल्स में कभी भी कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे, अपने जितने भी वर्कर थे, उन सबको उनके नाम से पुकारते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनको वैल्यू देते थे, और सबके सब उनके एम्प्लॉयज, उनके वर्कर उनसे बहुत प्यार करते थे। और ये छोटी सी चीज उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में यूज की थी, जिसकी वजह से वो दुनिया के नंबर वन सक्सेसफुल पर्सन बने, हिस्ट्री में नंबर वन नाम जो अगर अमीरी में, वेल्दी इंसान में आता है, वो एंड्रयू कार्नेगी का आता है। और उनके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा रिव्यू पसंद आया हो, क्लियर हुआ हो। आगे भी मैं ऐसे रिव्यू लाती रहूंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, क्योंकि एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में सारी चीजें, सारे इंसिडेंट शेयर करने में ओवरलोडेड हो जाता है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इस ट्रेनिंग में कंटिन्यू रहना है तो सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी भूलना, अलाउड नहीं है। ओके, तो टर्न जरूर करना। ओके, कोई भी सजेशन हो, आई एम वेटिंग फॉर दिस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।